हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। आज का पाठ है सोलह और पाठ का नाम है परख। परख का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। बच्चों, यह पाठ प्रसिद्ध रसायन शास्त्री नागार्जुन के बारे में लिखा गया है। नागार्जुन बहुत ही महान रसायन शास्त्री थे। उन्होंने बहुत सी दवाइयां बनाई, उन्होंने असाध्य रोगों की दवाइयां भी उन्होंने बनाई थी। उन्हें काम उनके पास काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने एक बार राजा से कहा कि राजन, काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए मुझे सहायक चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, कल मैं आपके पास दो योग्य नौजवानों को भेज दूंगा। अगले दिन नागार्जुन के घर दो नौजवान पहुंच गए। नागार्जुन ने उन दोनों को आदर पूर्वक अपने घर में बैठाया और उनसे पूछा कि आप दोनों कितने पढ़े लिखे हैं। दोनों ही बराबर पढ़े लिखे थे और दोनों की योग्यताएं भी समान थी। अब नागार्जुन सोच में पड़ गए, किसको अपना सहायक बनाऊं। नागार्जुन अंदर गए और दो पदार्थ लेकर आए। उन्होंने एक-एक पदार्थ दोनों योग्य नौजवानों को दे दिया और कहा कि इन्हें पहचानो और इस पर एक-एक रसायन तैयार करके लाओ। दोनों ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगे। तभी नागार्जुन ने कहा कि घर जाने से पहले आप दोनों राजमार्ग पर पूरा राजमार्ग पार करते हुए जाना। दोनों ने ऐसा ही किया। दोनों राजमार्ग पार करते हुए अपने अपने घर चले गए। तीसरे दिन शाम के समय वो दोनों समय तय समय के अनुसार तीसरे दिन शाम के समय वो नागार्जुन के पास में पहुंच गए। नागार्जुन ने देखा कि एक का चेहरा बहुत प्रसन्न था और दूसरा जो था नौजवान, उसका चेहरा उदास था, उसका सिर झुका हुआ था। नागार्जुन ने उसी से पूछा जिसका सिर झुका हुआ था कि तुमने रसायन तैयार करके लाए तुम? कि नहीं, मैं रसायन तैयार करके नहीं ला पाया, मैंने आपका पदार्थ तो पहचान लिया था, मुझे समय नहीं मिला। उसके बाद में दूसरा वाला जो नौजवान था, जो बहुत खुश दिखाई दे रहा था, उसने कहा, मैं आचार्य जी, मैंने आपका पदार्थ भी पहचान लिया था और मैं उस पर एक रसायन तैयार करके लाया। नागार्जुन ने उससे कुछ प्रश्न किए, उसने सही जवाब दिए। उसके बाद नागार्जुन ने फिर पहले वाले से पूछा जो उदास था कि तुम रसायन क्यों तैयार नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, आचार्य जी, जब मैं राजमार्ग से होता हुआ घर जा रहा था, तभी मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है। उसे कोई पानी तक के लिए नहीं पूछ रहा था। मुझे उस पर दया आ गई, मैं वहां रुक गया और उसको अपने घर ले गया और मैं लगातार उसकी सेवा में लगा रहा, इसलिए मुझे समय नहीं मिला और मैं रसायन तैयार नहीं कर पाया। नागार्जुन ने कहा, बहुत अच्छी बात है, आपने तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हें ही अपना सहायक नियुक्त करता हूं। उसके बाद राजा ने पूछा, अगले दिन राजा ने पूछा कि आचार्य, आपने ऐसा क्यों किया? जो रसायन तैयार करके लाया था, आपने उसको नहीं रखा? तो उन्होंने कहा, हाँ, नहीं, मैंने इसलिए नहीं रखा राजन उसको, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि आप दोनों राजमार्ग से को पार करके तब अपने घर जाना। दोनों एक ही राजमार्ग से चले गए। एक पेड़ के नीचे एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ था, तो वो जो था, एक तो उसको पार करके चला गया और उसने अपना रसायन भी बना लिया, लेकिन जो दूसरा था वो जो है उसकी सेवा के लिए रुक गया और अपने उसे अपने घर ले गया। तो मुझे ऐसा ही सहायक चाहिए जो मानव की सेवा करता हो, क्योंकि मैंने इन दोनों की ये परख की थी। क्यों की थी? क्योंकि मैं जानता था कि राजमार्ग मैं जो पेड़ है उसके नीचे एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है, मैं खुद उसको सेवा के लिए लाना चाहता था, तभी ये दोनों नौजवान यहाँ पर आ गए और मैंने इनकी परख कर ली। ये जो पहला वाला जो था,
वो जो है वहां रुका नहीं, चला गया, तो मुझे ऐसा यंत्र की तरह काम करने वाला सहायक नहीं चाहिए। मुझे ऐसा सहायक चाहिए जिसके मन में सेवा भाव हो, जो लोगों की सेवा करे। धन्यवाद।